yüzünü intimesi gitti. Abi. Az ne var asıl? Onu da ne? İki salı beyaz şeyler. Tula gire abi. Şu neyi sen? बाहर क्या हुआ था तो मुझे घर छोटे भाई ने फोन किया बोलता भैया जी जल्दी घर पे आओ जब मैं घर आके देखता तो सारा डैमेज बड़ा हुआ सामान कहीं बिखरा हुआ है बच्चे कहीं बैठे हुए हैं मैंने कहा यार आप मैंने इनको पूछा कि मेरे भाई की बीवी थी मैंने इसको पूछा इन्होंने अगर तोड़ा तो आपको पता है इन्होंने तोड़ने के लिए कहते भैया हम कैसे बात करें हम तो लेडीज से हम जेंट्स से कैसे बात करें फिर मैं उनके पास गया मैंने उनको कंसर्न ऑफिसर को पूछा मैंने कहा यार आपने तोड़ा कोई नोटिस दिया अगर आपने तोड़ा हम अगर डिपार्टमेंट के आदमी हो और आप तोड़ते हो अगर मैं अगर कोई डिपार्टमेंट का आदमी हो अगर कोई कोई चीज़ डैमेज करने जाता हूँ मेरे पास मेरे डिपार्टमेंट का ऑफिस डिपार्टमेंट का लेटर होता है कहते मैं उस चीज़ को हाथ लगाता हूँ आप मुझे ये बताओ अगर आपने तोड़ा है अगर आपने कोई नोटिस दिया है तो मुझे बताओ अगर आपने चिपकवाया है अगर 15 दिन पहले चिपकाया है जब 20 दिन पहले चमकाया है तो आप मुझे बता दो हम अगर आप मुझे बताते हो तो हम कुछ नहीं उसके बाद मैं उनको बात कर रहा था तो मम्मी बोली मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ जैसे मम्मी बाहर जाती है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद ही मौके पर ही उनकी उसके बाद मेरे छोटा भाई इसको हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहीं पर डेथ हो जाती है अब हमें ये बताओ इन सबको लेके मैं कहाँ जाऊँगा बताओ ना मुझे ये और सीओ को पूछूँ मैं यार अगर आपने आपके पास लेटर है डैमेज करने का तो मुझे वो लेटर दिखाए जहाँ वो मुझे लेटर दिखाए तो जहाँ वो मुझे बना के थे जहाँ पे मैं इनको बिठाऊँ अब मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ मुझे ये बताओ बस मुझे इंसाफ चाहिए बस इनके लिए और कुछ नहीं चाहिए जी कितनी देर से आप जहाँ पे रह रहे थे बेसिकली मेरा 1973 का डेट ऑफ बर्थ है मैं यहीं का जमा हूँ अब मुझे बताओ 45 साल मेरी उम्र हो गई है तो 45 साल से मैं इधर हूँ अब मुझे ये बताओ 45 साल से मैं यहाँ हूँ अब मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँ मुझे ये बताओ मुझे इंसाफ चाहिए बस इनके लिए और कुछ नहीं किस तरह की डिमांड करते हैं आप एक तो सीओ के ऊपर मैं डिमांड करता हूँ सीओ को सस्पेंड किया जाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए एक तो स्कूल की जो प्रिंसिपल है नाम उसका मुझे याद नहीं किया है एक तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए